दालें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है और आज हम आपके साथ बहुत ही सिंपल दाल मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बाकी दालों की तरह इस दाल को रात को भिगोकर नहीं रखना पड़ता, इसको आप पानी से धोकर एक बर्तन में निकाल लीजिए। आधे कप मूंग की दाल के लिए हमें 1.5 कप पानी चाहिए होगा। उसके बाद हम एक छोटा चम्मच नमक का डालेंगे और थोड़ा सा तेल, एक छोटा चम्मच हल्दी। इस दाल को प्रेशर कुकर में आप पका तो सकते हैं, पर इसमें विसल लगाने की जरूरत नहीं है। इसका तड़का बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर। कढ़ाई को गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, साबुत जीरा डालेंगे और उसके बाद अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद टमाटर और प्याज को भी भून लेंगे, थोड़ी सी देगी मिर्च और अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च। जब दाल गल जाए तो उसको गैस से उतार लीजिए और जो बना हुआ तड़का है वो उसके अंदर ऐड कर अच्छी तरह से हिला लीजिए। सर्व करने से पहले आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं या जीरे का एक फ्रेश छौंक भी लगा सकते हैं।